हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन इंडियन वाइब एंड ब्यूटी। गाइस, आप में से कई सारे लोगों की मेरे पर रिक्वेस्ट आ रही है एंड रिक्वेस्ट रिलेटेड है आपके चेहरे पे होने वाली रेडनेस से, आपके चेहरे पे होने वाले काले काले स्पॉट या कालापन से। तो गाइस, इस तरह की जो प्रॉब्लम है खासतौर पर उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही है जिन्होंने अपने चेहरे पर या तो पिगमेंटेशन रिमूव करने वाली क्रीम का इस्तेमाल किया है या अपने चेहरे को बहुत तेज़ी से गोरा बनाने वाली क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो अक्सर ये प्रॉब्लम उन्हीं में देखने को ज़्यादा मिल रही है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैम, कोई ऐसी क्रीम या कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जिससे हमारे चेहरे पे जो कालापन आ रहा है या रेडनेस बहुत ज़्यादा आती है, चेहरा बहुत तेज़ी से रेड हो जाता है या चेहरे पे छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट पड़ना स्टार्ट हो गए, तो वो रुक जाएँ और हमारा चेहरा ठीक हो जाए। तो गाइज, इसी के लिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप गाइज आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई चलिए आज जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मदद से आप अपने चेहरे को ठीक कर सकते हैं। तो गाइस चलिए देख लेते हैं करना है। गाइस चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका आप इस्तेमाल करके इस तरह की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। साथ ही आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बताने वाली हूँ जिनका आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या स्टोरेड क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस नंबर वन पे जो आता है प्रोडक्ट गाइस, ये है कैलामाइन। गाइस कैलामाइन में एलोवेरा होता है और मैंने आपको हमेशा से बोला है कि गाइस एलोवेरा जेल जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि एलोवेरा जेल जो होता है ना गाइस, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, रिपेयर करता है, बर्निंग जो हमारी स्किन में हो रही होती है उसको हटाता है, रेडनेस को हटाता है, चेहरे पे जो कालापन आ रहा होता है ना उसको आने से रोकता है। या तो आप प्योर एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप कैलामाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है एंड आप उसका इस्तेमाल करिए। दिन में दो बार आपको इस्तेमाल करना है और इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप अपने चेहरे पे देख रहे हैं तो बहुत तेजी से वो क्योर होना स्टार्ट हो जाएगी। गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सेटाफिल। सेटाफिल का लोशन आता है गाइस एंड ये आता है DAM के नाम से, डेली एडवांस आता है अल्ट्रा हाइड्रेशन लोशन। तो आप इस लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से हमारी स्किन बहुत तेज़ी से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, जो सेंसिटिव हमारी स्किन बन जाती है, पीएच लेवल ख़राब हो जाता है तो वो सही हो जाता है, स्किन ड्राई नहीं रहती है। तो आप ये लोशन भी दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी स्किन पर जो भी रेडनेस वगैरह है या कालेपन की प्रॉब्लम है उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस बायोडर्मा एटोडर्म इंटेंसिव फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजर। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है, डॉक्टर अक्सर रिकमेंड करते हैं, तो आप ये चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आपको दिन में दो बार इस्तेमाल करना है। गाइस नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है गाइस, ये है GSK फिजियो जेल AI क्रीम या जेल। इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसे परचेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है स्किन को मॉइस्चराइज हाइड्रेट रखने के लिए, स्किन में ड्राइनेस रोकने के लिए एंड आपकी स्किन पे रेडनेस वगैरह को रोकने के लिए, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट है हमारा लैक्मे पीच मिल्क। समर सीजन में यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है, नॉन स्टिकी नॉन ऑयली है तो आप इसे ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इनमें से आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में दो बार आपको इस्तेमाल करना है, रात में सोने से पहले और सुबह मॉर्निंग में। गाइस जब धूप में बाहर जाएं तो प्लीज सनस्क्रीन जरूर यूज करिएगा। सनस्क्रीन हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है, काला होने से बचाता है, रेडनेस से बचाता है, बर्न होने से बचाता है, तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करिएगा जब भी आप धूप में बाहर जाएं। नाउ गाइज अब मैं आपको बता दी कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है और जिनसे आपको साइड इफेक्ट वगैरह होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो गाइज नंबर वन पे जो आता है गाइज, ये है एल्कोहल और सैलिसिलिक एसिड। गाइज सैलिसिलिक एसिड आजकल हर तरह के टोनर में हमें देखने को मिलता है, अल्कोहल भी यूज किया हुआ होता है और ये दोनों जो प्रोडक्ट है ना, ये हमारी स्किन को सुपर सेंसिटिव बनाने का काम करते हैं। जब भी आप धूप में बाहर जाएंगे तो आप अक्सर देखेंगे कि हमारी स्किन रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके स्किन पे रेडनेस ना आए तो आपकी स्किन पे इस तरह के टोनर जो सैलिसिलिक एसिड एंड एल्कोहल का यूज किए हुए होते हैं, प्लीज अवॉइड करिएगा यूज करना। एंड इनके साथ में हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। गाइस ग्रीन टी भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है एंड गाइस इसके साथ में है एप्पल साइडर विनीगर। आपको इस तरह के प्रोडक्ट का भी यूज़ करना रोकना होगा जिनमें एप्पल साइडर विनीगर का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो हमारी स्किन पर इचिंग, बर्निंग और हमारे स्किन के ऊपर जो रेडनेस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो गाइज प्लीज इस तरह के प्रोडक्ट आप बिल्कुल भी यूज मत करिएगा एंड जब आपकी स्किन ठीक हो जाएगी तब आप इस तरह के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें
में से जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है उसे यूज जरूर करिएगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके स्किन के ऊपर जो भी रेडनेस की प्रॉब्लम है या कालेपन की प्रॉब्लम है ये दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोज के लिए। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।